हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात करेंगे तो इसकी सबसे पहले मैं आपको डिफाइन बता देता हूँ कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है, इसकी पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये मैट्रिक्स क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी कि मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि उसका ऑर्डर क्या हो, या तो 2 × 2 का या 3 × 3 का, इस तरीके से आई और जे की वैल्यू यानी कि रो और कॉलम की वैल्यू जो है वो सेम रहनी चाहिए। तो हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड हार्मिशियन मैट्रिक्स इफ ए स्टार इज इक्वल ए, यानी कि ए स्टार की वैल्यू किसके इक्वल हो, ए के इक्वल। अब यहाँ ए स्टार का मतलब क्या है, वेयर ए स्टार इज इक्वल टू ए बार एंड इट्स ट्रांसपोज, या हम ये कह सकते हैं ए स्टार इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज और उसका, सॉरी, ए ट्रांसपोज और उसका बार, ए ट्रांसपोज और उसका बार, ठीक है। यानी कि पहले बार का ट्रांसपोज कर दो या ट्रांसपोज का बार कर दो तो ए स्टार आएगा, और अगर ए स्टार की वैल्यू ए के इक्वल आती है तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, हार्मिशियन मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ हार्मिशियन मैट्रिक्स। दोस्तों प्रॉपर्टीज़ डायरेक्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में आती हैं, एमसीक्यू बन के आती हैं प्रॉपर्टीज़, ये आपको समझनी है और इनका यूज़ करना है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है, प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स। प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स का मतलब क्या है, जो इसका मेन डायगनल होता है भाई, ये जैसे मैट्रिक्स है तो इसका मेन डायगनल एलिमेंट जो है वो क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए, मस्ट, ये सेंटेंस बना देते हैं, प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट मस्ट बी रियल, मस्ट बी रियल, यानी कि ये वाले जो डायगनल के एलिमेंट हैं ये क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए, इमेजिनरी नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि इफ के इज एनी स्केलर क्वांटिटी, के इज एनी स्केलर क्वांटिटी, के क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और के को मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, ए मैट्रिक्स से, तो जो के ए बनेगा ना ये भी क्या बनेगी, हार्मिशियन मैट्रिक्स बनेगी, के ए भी क्या बनेगी, हार्मिशियन, इफ ए इज हार्मिशियन, यानी कि ए अगर आपको हार्मिशियन दी हुई है तो के ए भी क्या बनेगी, हार्मिशियन बनेगी, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं के ए का स्टार जो है वो किसके इक्वल आएगा, के ए के इक्वल आएगा, के ए का स्टार किसके इक्वल आएगा, के ए के इक्वल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, अगर ये दोनों हार्मिशियन हैं, ए एंड बी दोनों क्या हैं, हार्मिशियन है, एंड के वन एंड के टू आर स्केलर क्वांटिटी, के वन और के टू क्या हैं, दोनों कांस्टेंट हैं यानी कि स्केलर क्वांटिटी हैं, तो ये कॉम्बिनेशन बनाया मैंने के वन ए प्लस के टू बी, के वन ए प्लस के टू बी, ये भी क्या होगी, हार्मिशियन मैट्रिक्स होगी, ये भी क्या होगी, एक हार्मिशियन मैट्रिक्स होगी। दोबारा सुन लीजिए कि अगर K1 K2 क्या है, कांस्टेंट है यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, और A और B दोनों क्या है, हार्मिशियन मैट्रिक्स है, तो K1 A प्लस K2 B ये भी क्या होगा, ये भी एक हार्मिशियन मैट्रिक्स बन के आएगी, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं K1 A प्लस K2 B का स्टार, का स्टार किसके इक्वल आएगा, K1 A प्लस के टू बी के इक्वल आएगा, ठीक है। ये इस मैट्रिक्स के स्टार की प्रॉपर्टी है। स्टार तो आपको बताया ही है कि किसी मैट्रिक्स का अगर स्टार दिया तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले उसका बार कर देते हैं यानी कि कंजुगेट कर देते हैं, फिर उसका क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं, क्या उसका कर देते हैं, ट्रांसपोज, ये होता है ए स्टार। कई बुक्स में जो ए स्टार है वो ए की पावर थीटा में भी लिखा हुआ है, यानी कि ए की पावर थीटा और ए स्टार एक ही बात है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने है, क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ए एंड बी आर
ए एंड बी आर हार्मिशियन मैट्रिक्सेस, ए एंड बी आर हार्मिशियन मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर। देखिए ए और बी दो क्या है, मैट्रिक्स हैं, और दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। दोनों क्या होने चाहिए, हार्मिशियन मैट्रिक्स। एंड ये दिया हो अपने को ए बी इक्वल टू बी ए, ये भी क्या है, गिवन हो, ये भी हमारे पास क्या हो, गिवन। यानी कि मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, ए और बी दोनों कम्यूटेटिव होनी चाहिए। तो भैया ये जो ए बी मैट्रिक्स बनती है ना, ए इंटू बी, दैट इज ऑल्सो हार्मिशियन। तो ए इंटू बी मैट्रिक्स भी क्या बनेगी, हार्मिशियन। या फिर ये कह दो कि बी इंटू ए भी क्या बनेगी, हार्मिशियन मैट्रिक्स बनेगी। इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, हम कैसे चेक करेंगे। देखिए हमें प्रूव करना है ए इंटू बी क्या है, हार्मिशियन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो जो हमें प्रूव करना है, जो हमें प्रूव करना है उसको हम ये लिख सकते हैं, ए बी स्टार इज इक्वल टू ए बी, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको हम लेके चलते हैं भैया, ए बी का अगर अपने स्टार ओपन करेंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे, देखो बी स्टार इंटू ए स्टार ये लिखेंगे, क्योंकि जो हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में अगर कोई पावर ओपन करते हैं तो बाद वाली जो मैट्रिक्स है वो पहले आती है, और जो पहले मैट्रिक्स होती है वो बाद में आती है, यानी कि ऑर्डर रिवर्स होता है। और यहाँ देखिए, जब ए और बी हमें हार्मिशियन मैट्रिक्स दी हुई है, इट मीन्स ए स्टार किसके इक्वल है, ए के इक्वल, और बी स्टार किसके इक्वल है, बी के इक्वल। तो यहाँ बी स्टार को क्या लिख देंगे, हम बी लिख देंगे भैया, और ए स्टार को क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। बी स्टार की वैल्यू बी और ए स्टार की वैल्यू ए, और हमें क्या प्रोवाइड है, ए बी किसके इक्वल है, बी ए के इक्वल, ये प्रोवाइडेड है। तो बी ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ, बी ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए बी। तो देखो मैंने इसको क्या बना दिया, ए बी स्टार को क्या बना दिया, ए बी। इट मीन्स ए बी का जो स्टार है वो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, ठीक है। यानी कि ए और बी अगर दोनों हार्मिशियन मैट्रिसेस दी हुई हैं और ए बी और बी ए कम्यूटेटिव भी हैं, तो ए बी जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी क्या होगी, हार्मिशियन मैट्रिक्स होगी। यहाँ से ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी निकल के आती है कि ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर, सेम कंडीशन है कि ये दोनों क्या हों, हार्मिशियन मैट्रिक्स हों, ये दोनों क्या हों, हार्मिशियन मैट्रिसेस हों ऑफ सेम ऑर्डर। दोनों का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ए बी प्लस बी ए, ए बी प्लस बी ए, ये भी क्या होगी, हार्मिशियन मैट्रिक्स होगी। ए बी प्लस बी ए भी क्या होगी भाई, हार्मिशियन मैट्रिक्स होगी, ठीक है। ये दोनों भी, ए बी प्लस बी ए का जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगी, एक हार्मिशियन मैट्रिक्स होगी। अब ए बी प्लस बी ए हार्मिशियन मैट्रिक्स कैसे होगी, हम इसको देख लेते हैं भाई, कैसे देख लेते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें क्या करना है बोलो, कि ए बी प्लस बी ए का जो स्टार है वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए बी प्लस बी ए के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। ये हमें इक्वल प्रूव करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको इक्वल प्रूव, इसको लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट करते हैं कैसे, तो इसका स्टार अलग, इसका स्टार अलग, यानी कि इसका स्टार को आप ओपन कैसे करेंगे, ए बी स्टार प्लस बी ए स्टार, ये ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप बनेगा हमारा ये पहले और ये बाद में, बी स्टार ए स्टार प्लस ए स्टार बी स्टार, ठीक है। तो बी स्टार को क्या लिख सकते हैं, बी, क्योंकि ये क्या है, हार्मिशियन मैट्रिक्स है। ए स्टार को क्या लिख सकते हैं, ए। इसी तरीके से ए स्टार को ए और बी स्टार को बी लिख सकते हैं, बी ए प्लस ए बी है, तो ए बी पूरा का पूरा उठा के मैं पहले लिख सकता हूँ और बी ए पूरा का पूरा उठा के बाद में लिख सकता हूँ। तो देखो ये था, उसको मैंने ये बना दिया, तो ये चीज़ इक्वल हो गई ना, ठीक है। तो ए बी प्लस बी ए भी क्या है, इसका जो स्टार है वो किसके इक्वल है, ए बी प्लस बी ए, यानी कि ए बी प्लस बी ए जो भी मैट्रिक्स बनेगी वो भी क्या होगी, एक हार्मिशियन मैट्रिक्स होगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए कि अगर ए, ए क्या है, हार्मिशियन मैट्रिक्स है। इफ ए इज एन हार्मिशियन मैट्रिक्स, यानी कि ए क्या है, एक हार्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये जो चीज है ए रेज टू पावर एन का स्टार, ए की पावर एन, वेयर एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, एन क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है,
ठीक है, यानी कि a की पावर जितनी भी हो लेकिन वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए और इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। a की पावर n भी क्या होगी, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी, यानी कि a की पावर n का स्टार भी किसके इक्वल होगा, a की पावर n के इक्वल होगा। ठीक है, ये भी क्या है, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी a की पावर n, लेकिन n क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर। कैसे लिख सकते हैं इसको, छोटा सा प्रूफ है इसका। देखो a की पावर n और उसका स्टार है हमारे पास, ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, a स्टार अंदर और n बाहर, ये लिख सकते हैं। तो देखो a स्टार को क्या लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि a क्या है, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। इफ a इज एनी हर्मिशियन मैट्रिक्स देन a स्टार किसके इक्वल होगा, a के इक्वल, बिकॉज हर्मिशियन मैट्रिक्स की डिफाइन ही ये बताई है मैंने, a स्टार इज इक्वल टू a, तो a स्टार की जगह क्या लिख दिया, a, और उसकी पावर n तो पड़ी है। देखो a n स्टार किसके इक्वल आ गया, a की पावर n के, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, यानी कि a की पावर n भी क्या है, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है।